कर दी कटिंग कर। हाय गाइस देखो आज हम कृषि विज्ञान केंद्र आए, कृषि विज्ञान केंद्र ठेकड़ा मेरठ सरदार बल्लभभाई मेरठ। हाँ केचुए का वर्मी कंपोस्ट लगा है। नमस्कार स्टूडेंट, हम कृषि विज्ञान केंद्र ठेकड़ा आए हैं और यहाँ पे देखो वर्मी कंपोस्ट हो रहा है केचुए की खाद पालन का। और बेड दिखा इधर आ, ये पहला बेड है, इसमें देखो चाय पत्ती की तरह हो रहा है मामला। ये 150 दिन में तैयार होगी, यानी कि टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो उसके लिए ये है कि हमको जिस तरीके का मौसम अब चल रहा है, दिन में एक बार हमें इसमें जो है नमी बरकरार रखनी है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहता है, सपोज करो आपके वहाँ पे टीन की शेड नहीं है, आप पुराली का बिछावन कर दिया है आपने, तो उसमें आपको दिन में दो बार उसकी सिंचाई करनी पड़ेगी। सिंचाई इन द सेंस यानी कि आप भर के डाल दो, उसमें नमी बरकरार रखने के लिए एक स्प्रे छिड़काव करें, ड्रिप इरीगेशन के द्वारा या भाई उसके द्वारा आप जो है डब्बे से डाल सकते हो। भाई छोटे स्तर पे तो हम उसमें ड्रिप इरीगेशन का प्रयोग नहीं करेंगे, वो तो बड़े स्तर के लिए होता है। छोटे स्तर के लिए आप उसमें खुद भी अपने डब्बे की सहायता से या छोटे पाइप की सहायता से उसमें स्प्रे कर सकते हैं। या पावर पोस्ट का फार्म है केचुए का, उधर मछली पालन हो रहा और इधर केचुए का नए डेपा कंपोस्ट। जिसके पास मान लो 5 बीघे थी, उसके पास 2.5 रह गई, कम होती जा रही है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ से पशु भी कम होते जा रहे हैं। जहाँ पशु किसान के पास 7-8 पशु रहते थे, वहाँ किसान के पास 1 या 2 पशु रहते अभी बचे हुए हैं। तो उसके लिए उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि हम अगर अपने यहाँ पे एक वर्मी कम्पोस्ट बेड लगाए, बेड तैयार करें, उससे क्या होगा, जो पोषक तत्व हम फार्म यार्ड मैन्योर जो गोबर की खाद से लेते हैं उससे कई गुना ज्यादा इसमें मिलता है। जैसे नाइट्रोजन है 0.5% है, फॉस्फोरस है 0.5% है, तो इसके आसपास रहती है सभी, तो उससे कहीं ज्यादा आपको इससे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होंगे। 19 पोषक तत्व तो इसमें वर्मी कंपोस्ट में होते हैं जो कि गोबर की खाद में नहीं। आप एक छोटी सी बेड लगा सकते हो, जैसे इस टाइम ये 2-2 बेड लगी हुई है, आप इसे एक बेड भी लगा सकते हो, अपने घर पर तैयार कर सकते हो। एक बेड लगा करके जैसे मान के चलो शुरुआत अगर हम करें, सपोज करो हमने 10 से 15 दिन पुराना गोबर ले लिया, 10 से 15 दिन पुराना गोबर हमने बेड में स्टार्टिंग करने जब शुरुआत करते हैं, तो 10 से 15 दिन पुराना गोबर हमने अपने बेड में डाल लिया। उसमें बेड में डालने के साथ साथ हम उस पर जो है उसके पानी का छिड़काव करते रहे। आप पाइप के द्वारा भी कर सकते हैं, जो छोटा पाइप आता है, या डब्बे या उसके द्वारा भी आप उस पर छिड़काव करते रहे। और छिड़काव करने के साथ साथ उसमें 2 या 3 काट देते हैं। काट देने पर यह हुआ कि वो जो हमारा गोबर है, वो जो खाद है, वो मुलायम हो जाएगी, मुलायम बारीक हो जाएगी। बारीक जैसे हो जाएगी तो उसमें फिर हम उसके बाद में 10 से 15 दिन बाद आप उसमें केंचुए छोड़ सकते। ऊपर केंचुए का काम है, खाद जैसे नीचे नीचे वो खाता चले जाएगा, ऊपर से स्टार्टिंग करता चले जाएगा, तो नीचे चलता रहेगा। ऊपर आपके चाय पत्ती के आकार का जैसा ये हो रहा ना, ऊपर ही ऊपर यहाँ पर देखोगे यंत्र इसे देखो, ये छान करके हम इसे अलग कर लेते हैं। भाई मैं पकड़ना है, लो पकड़ लो भाई, भाई सर की तरफ पकड़ा दे, होने का आवाज अच्छी आएगी। नहीं देख कैच निकल रहा जो नीचे का बैड है, क्या कह रहे भाई, यार 900 रुपए का था महंगा, अब ये लास्ट हो चुका है, नहीं लेगा वो एक्सचेंज। अभी हमारा खाद तैयार हुआ नहीं है, इससे ऊपर से जैसे ये ऊपर हो जाता है, एक खटपावड़ी की सहायता से खटपावड़ी टाइप बना लेते हैं, जिससे या कोई फट्टा टाइप बना लो आप, ऊपर से ऊपर ऐसे ऐसे लेयर इकट्ठी कर दिया आपने, ठीक है ना। और लेयर इकट्ठी करके जैसे हम इसमें छानते हैं, यहाँ पे झरना लगा करके, ये तो आप ऐसे छान लो, इसमें क्या होगा आपकी वर्मी कंपोस्ट नीचे आ जाएगी, उसके ऊपर जो अंडे होंगे और कैचवे होंगे वे उसके ऊपर रहेंगे, उन्हें आप फिर इसमें डाल सकते हो। लेकिन अगर हम छोटे स्तर पर करते हैं तो ऊपर से ऐसे ही आप मान लो ऊपर ऊपर जो अगर एक बेड लगाते हैं, तो छोटे स्तर पर करने के लिए आप ऊपर से लेयर इकट्ठा कर ली, उसमें जो लास्ट में कैचवे या आपको उसके अंडे दिखाई दिए वो आप उसमें डाल दिए, अगर वो खेत में भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
तो भी वो वहाँ पर जो है उसकी तो सब मर जाते हैं ना, अलग वैरायटी का कैंचा जो होता है। नहीं नहीं, खेत में होता है जब आप जो है जिस खेत में आप वर्मी कंपोस्ट नहीं डालोगे, जिस खेत में आप जो है उसमें केमिकल डालोगे। आप सपोज करो इसमें आपने जिस खेत में आपने वर्मी कंपोस्ट डाल दिया उसमें कैंचवे भी चले गए, लेकिन उसमें आपने जो फ्यूराडान डाल दी या कोई और केमिकल का प्रयोग कर दिया तो मर जाएंगे, उसमें जो सहायक कीट होते हैं वो भी मर जाते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम इसे कितने किलो कैंचवे से स्टार्ट करें। तो ये बेड का साइज है, ये 3 फीट शायद ऐसे है और 8 फीट के आसपास ही ऐसे है, 8 या 9 फीट के आसपास, 10 फीट भी हो सकता है। तो इसमें क्या अंदर है, 2 से 2.5 फीट, 2 से 2.5 फीट रखना है, ये 2 से 2.5 फीट के आसपास है, 2 फीट के आसपास होगी। कहाँ ले जा रहे सर के पास, करो ना यार इसे। इसको आपको रखना है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं इसमें आप वैसे तो 1 किलो कैंचवे से आवाज के लिए शुरुआत कर सकते हैं स्टार्टिंग में आप। हाँ ऐसा सर की जेब में लगा बात करने के बाद सर जो है चाहेंगे तो वो 4 से 5 महीने लेंगे एक बेड को तैयार होने में 1 किलो कैंचवे, क्योंकि लगा दे सर कुछ नहीं बढ़ती रहेगी उससे करीब 3-4 महीनों के आसपास जा करके वो मल्टीपल लगा देना भाई, डर मत ही लगा दे तो वो काम करे, डर क्यों रहा भाई, जल्दी चालू करेंगे। अगर आपको स्टार्टिंग में ये सपोज 3 महीने में हमको इसकी बेड लेनी है तो उसके लिए आपको 5 किलो कैंचवे स्टार्टिंग में डालने ही डालने पड़ेंगे। आपको अगर जल्दी लेनी है तो 10 किलो डाल दो, लेकिन यह कि शुरुआत करने के लिए आप स्टार्टिंग करने के लिए मैं तो ये कहूँगा कि आप 1 से 2 किलो कैंचवे इसमें शुरुआत करने के लिए डाल दो, वो जैसे जैसे अपना और जैसे जैसे वो आप निकाल लोगे चाय पत्ती के आकार का जो ऊपर का खाद होगा उसे निकाल के आप इकट्ठा कर लोगे, लास्ट में लेयर बच जाती है ये मान के चलो 3 से 4 इंच मोटी, उसमें टोटल कैंचवे ही होते हैं, उसको आप ऐसे इकट्ठा करके बराबर में हथपावड़ी की सहायता से या किसी पट्टे की सहायता से आप बराबर में ऐसे ऐसे इकट्ठा कर लोगे, इस साइड में कर लो या उस साइड में कर लो, और जो आपका 10 से 15 दिन पुराना गोबर होगा उसको आप डाल दो, 10 से 15 दिन पुराना गोबर हो साथ में वो कटा हुआ हो, एक दो उसमें काट आपने दे दी हो, क्योंकि अगर काट नहीं दी होगी तो कई बार क्या होता है हमारे कैंचवे सर्वाइव नहीं कर पाते, और अगर हम गरम गरम ऐसे ही कैंचवे डाल देते हैं तो टेम्परेचर के उससे वो कैंचवे मर जाते हैं, ठीक है ना, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाने के। अगर जितना बेहतर हम उन्हें भोजन देंगे बना करके उतना बेहतर में आपको रिजल्ट देंगे। सपोज करो आप उन्हें अच्छी तरीके से काट करके मुलायम करके इसमें बार बार नमी के लिए स्प्रे करते हो, पानी से पानी का स्प्रे करते हो, तो उससे क्या होगा अगर इसमें नमी बरकरार रहेगी तो जो कैंचवा खाद आपका जो है 60 से 70 दिन में तैयार करता है वो आपको 40 से 45 दिन में ये बेड पूरी की पूरी तैयार करके देंगे। अगर आप इसमें सपोज करो ऐसे छोड़ देते हो तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। अगर आप उसमें 10 या 15 दिन के बीच में आप स्प्रे करते हो उसमें नमी देते हो तो वो आधा ही कर पाएंगे, जहां आपकी बेड 60 दिन में 40 दिन में 45 दिन में